दोस्तों, शेफाली किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे व्हाइट सॉस पास्ता। इसे हम घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमने एक बोल में उबली हुई पास्ता लिया है, इसको हमने पहले ही रेडी कर लिया है। आधा गिलास दूध यूज करेंगे। एक छोटी मीडियम साइज की कैप्सिकम, इसको पतला पतला लंबा लंबा काट लिया है। 1 से 1.5 चम्मच मैदा यूज करेंगे। एक मीडियम साइज की प्याज, इसको भी हमने लंबा लंबा काट लिया है। आधा चम्मच नमक यूज करेंगे, आधा ही चम्मच ब्लैक पेपर यूज करेंगे और एक मैगी मसाले का पाउच लेंगे। आइए रेसिपी को आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए मैंने गैस पर एक पैन रख दिया है और इसमें फ्लेम ऑन कर दिया है। अब हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच तेल डालेंगे, या आप जो भी बटर का यूज करना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसके बाद जब ये गर्म हो जाएगा, अब हम इसमें कटे हुए प्याज डालेंगे। ये देखिए, मैंने प्याज डाल दिए हैं और इसके बाद हम कैप्सिकम भी डालेंगे। अब हम इन दोनों चीजों को किसी स्पैचुला या स्पून की हेल्प से इसमें मिक्स करेंगे और भूनेंगे। इन्हें हम पूरा नहीं भूनेंगे, इन्हें हल्का हल्का क्रंची रखेंगे और इसी तरह हम इसे मिक्स करते रहेंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। ये देखिए, ये लगभग अब हाफ भुन चुके हैं और ये क्रंची भी हैं। अब हम इस टाइम पर इसमें मैदा डालेंगे। ये देखिए, मैंने इसमें मैदा ऐड कर दिया है। अब इसको भी हम इसमें अच्छे से मिक्स करते हुए भूनेंगे जब तक कि ये लाइट पिंक कलर की ना हो जाए, और हम इसे ऐसे ही मिलाते रहेंगे। और इस टाइम पर भी गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। आप देख सकते हैं कि मैदा लगभग इस टाइम पर भुन चुकी है। अब इस टाइम पर हम दूध ऐड करेंगे। दूध को डालते समय हम दूध डालते जाएंगे और एक हाथ से हम इसे मिक्स करते जाएंगे, वरना इसमें लम्स आ जाएंगे और हमारा व्हाइट सॉस अच्छा नहीं बनेगा। आप इसे इसी तरह से मिलाते जाइए और दूध को डालते जाइए, और जरूरत पड़ने पर आप में से पानी भी ऐड कर सकते हैं। और हम इसे ऐसे ही मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए, ये हमारा व्हाइट सॉस पास्ता रेडी है। अब हम इसे इसी तरह से मिक्स करते रहेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी इसी तरह से होनी चाहिए जिस तरह से इसमें दिखाई दे रही है। अब हम इस टाइम पर इसमें नमक डालेंगे और ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। ये देखिए, मैंने इसे ऐड कर दिया है और मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें मैगी मसाला भी डाल देंगे। ये देखिए, मैंने मैगी मसाला भी डाल दिया है। अब हम इस मसाले को इस व्हाइट सॉस में अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमारा व्हाइट सॉस रेडी है पास्ता के लिए। अब हम इस टाइम पर इसमें हमारा बॉईल किया हुआ पास्ता भी ऐड कर देंगे। ये देखिए, मैंने डाल दिया है। और अब हम इन पास्ता को सॉस के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे इसी तरह से लगभग 2 मिनट तक मिलाते रहेंगे और ये पकता रहेगा। ये देखिए, अब ये व्हाइट सॉस पास्ता रेडी हो गया है। आपको यदि व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।